नमो नमः। मैं डॉक्टर मिश्री लाल, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत विभाग BA/PG कॉलेज वाराणसी। आज मैं BA सेकंड सेमेस्टर के छात्रों के लिए कुछ महत्वपूर्ण संस्कृत गद्यांश का हिंदी में अनुवाद करूंगा, जिसे छात्र ध्यान से सुने और पुनर्अभ्यास करें। सज्जनानाम आचारः सदाचारः कथ्यते। सज्जनों के आचरण को सदाचार कहा जाता है। मानवस्य उन्नति साधकेषु गुणेषु सदाचारस्य प्रथमम् स्थानम्। मानवस्य माने मनुष्य के, उन्नति के साधक तम गुणों में सदाचार सर्वप्रथम है। तस्य संपूर्ण महिमा शब्दैः वर्णयितुं न शक्यते। उस सदाचार की संपूर्ण महिमा शब्दों के द्वारा वर्णित नहीं की जा सकती। यत्र सदाचारः, जहां सदाचार होता है, तत्र सत्यवादिता, विनम्रता, धार्मिकता, जितेंद्रियता, अलोलुपता, निष्कपटता, अन्ये च सर्वे गुणाः मित्रभावेन निवसन्ति। यत्र सदाचारः, जहां सदाचार होता है, वहीं सत्यवादिता, विनम्रता, धार्मिक भावना, जितेंद्रियता माने इंद्रिय संयम, अलोलुपता लोभ का त्याग, निष्कपटता निष्कपट होना, अन्य च और दूसरे प्रकार के सर्वे गुणाः सभी गुण मित्र भावेन माने मैत्री भाव से निवसन्ति, एक साथ रहते हैं। सदाचारः परमो धर्मः, सदाचार सर्वश्रेष्ठ धर्म है। आहार निद्रादयः प्राणी मात्र साधारणाः भावाः। आहार निद्रा आदि, भोजन निद्रा शयन आदि, ये सभी प्राणियों का समान धर्म है। किंतु सदाचार धर्म एव विषनष्टि मानवाम अन्येभ्यः प्राणिभ्यः। किंतु सदाचार एक ऐसा विशिष्ट धर्म है जो मनुष्यों को अन्य प्राणियों से इतर बनाता है, भिन्न करता है। यथा उक्तम, जैसा कि कहा गया है, आहार निद्रा भय मैथुनंच समानमेतद् पशुभिर् नराणाम्। धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषः, धर्मेण हीनाः पशुभिः समानाः। अर्थात आहार माने भोजन, निद्रा माने शयन, भयभीत होना, मैथुन करना, ये सभी पशुओं और मनुष्यों के सामान्य व्यापार हैं, समान धर्म है। किंतु धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषः, लेकिन उनमें से धर्म ही एक विशेष गुण है जो मनुष्य को विशिष्ट बनाता है। इसलिए कहा गया है धर्मेण हीनः पशुभि समाना। जो मनुष्य धर्म से हीन होता है वो पशु के तुल्य या समान माना जाता है। सदाचारिणः, सदाचारी समाजम देशम विश्वं च समुन्नेतुं पारयन्ति। सदाचारी ही समाज, देश और विश्व को उन्नति के शिखर पर पहुंचाते हैं। ते केनापि प्रलोभनेन, वे किसी भी प्रलोभन से, लालच से न्यायात पथः न विचलन्ति, न्याय के मार्ग से विचलित नहीं होते हैं। अपितु सर्वदैव सर्वेषां कल्याणम्, अपितु हमेशा ही सभी को, सभी का कल्याण, निःस्वार्थं कर्तुं प्रयतन्ति, निःस्वार्थ रूप से करने का प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं। एतादृशानां महापुरुषाणां समाजे, इस प्रकार के महापुरुषों का समाजे माने समाज में महान प्रभावो भवति, अत्यधिक प्रभाव होता है, सम्मान होता है। सर्वत्र सर्वदा च विपुलः समाधर, सब जगह और सर्वत्र हमेशा उनका बहुत आदर होता है। सदाचारिणः जनानां मूर्धनि तिष्ठन्ति, सदाचारी लोग लोगों के मूर्धा पर विराजमान रहते हैं। न कुत्रापि कदापि वा उपहासस्य पदानि निंदा भाजनानि च भवन्ति, न तो कहीं उपहास और निंदा के पात्र बनते हैं।
अतएव उक्तम, इसलिए कहा गया है, सीलम परमम भूषणम, सील ही सर्वोत्तम आभूषण है, सील ही सर्वोत्तम आभूषण है। सर्वाः दुष्वृत्तयः सदाचार अभाव मूलाः, सभी प्रकार के दुर्गुण सदाचार के अभाव के मूल के कारण उत्पन्न होते हैं। सर्वे गुणाः सदाचार मूलाश्च, ये सभी गुण जो है सदाचार के मूल होते हैं। संक्षेप में आज इतना ही, धन्यवाद।